नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इक्कीस अक्टूबर से मिलेगा नामांकन फॉर्म। जिले के 6 विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट में की जा रही तैयारी। गांव में सरपंच चला रहा बहिष्कार की दादागिरी। पीड़ित परिवारों की फरियाद पर कलेक्टर ने दिया जांच का आदेश। जंगल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर को खुलेगा एटीआर, वन्य जीवों का होगा दीदार। और 73 साल से किया जा रहा रामलीला का मंचन, सीमित साधनों से कलाकार मोह रहे मन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से पूरा किया जा रहा है। नामांकन फॉर्म खरीदने 21 अक्टूबर से लोगों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में बैरिकेडिंग किया जा रहा है। मुख्य द्वार से भीतर आने और बाहर निकलने बैरिकेड लगाया जा रहा है। बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा के लिए निर्वाचन नामावली की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि इसकी आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके आगे नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 31 अक्टूबर को भी यहां उम्मीदवार और उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के निर्बाध और व्यवस्थित संचालन के लिए परिसर से लेकर विधानसभा वार कक्षों में सुविधा का इंतजाम जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिला खेल परिसर का स्विमिंग पूल बंद होने से प्रैक्टिस से वंचित खिलाड़ी मायूस हैं। चिंतित परिजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कहा पूल का मरम्मत कार्य जल्दी पूरा किया जाए, जिससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का ज्यादा समय मिल सके। परिजनों ने बताया कि नवंबर महीने की तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिले के 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पूल बंद होने से बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इससे सभी अपने परफॉर्मेंस को लेकर निराश होने लगे हैं। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा है सहायक संचालक बार बार आश्वासन दे रही हैं, जबकि मरम्मत कार्य लगातार चलाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यही हाल रहा तो जिले के तैराकी के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ सकते हैं। 1.5 महीने से खेल परिसर वाला स्विमिंग पूल बंद है, जिससे बच्चों का प्रैक्टिस बंद है और बच्चों का अभी कॉम्पिटिशन्स है। CBSE का कॉम्पिटिशन है, नेशनल का है, सब बच्चे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और एक बार फ्लो बनता है, उसके बाद फिर फ्लो टूट जाता है। ये हर साल का काम है, हर साल 2-4 महीने बाद बंद हो जाता है। जिला खेल परिसर पिछले 1.5 महीने से बंद है और यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कोई अपना ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कहाँ से आएगा, मैंने जो उसमें रेत रहता फिल्टर प्लांट में, वो रेत कहाँ से आएगा। इवन ना अभी तक अभी हम लोग जा करके मिल के आए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि रेत मिलता कहाँ पर, और बोल रहे हैं 4 दिन में खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा। तो ऐसे में तो हमारे बच्चे लोग सफ़र कर रहे हैं ना, उसी के लिए हम लोग आके कलेक्टर साहब से ज्ञापन देंगे। इक्का साहब से मिलने के लिए गए थे लेकिन वो मिल ही नहीं रहे और फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और अभी फ़ोन उठाए तो बोले कि अभी 4 दिन में चालू हो जाएगा करके, लेकिन ये पिछले 1.5 महीना से ये बोल रहे हैं। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल का जनसंपर्क सोमवार से शुरू हो गया है। मंगलवार को वे रेलवे परिक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने रेलवे के तमाम कार्यालय में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से कमल निशान पर वोट देने का आग्रह किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके शहर को भय और आतंक से जल्दी मुक्त कराएंगे। बिलासपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमर अग्रवाल ने मंगलवार को रेलवे परिक्षेत्र में जनसंपर्क कर कमल निशान पर वोट देने आग्रह किया। वे रेलवे के DEM ऑफिस, अर्बन बैंक, DRS कंट्रोल ऑफिस और कंस्ट्रक्शन ऑफिस में पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में गुंडागर्दी, गैंगवार, तलवार से केक काटने, हवाई फायर, किसी को भी उठा लेने की धमकी देना आम बात हो गया है। कांग्रेस के संरक्षण में पले बढ़े गिरोह के लोग अब लोगों को धमकियां दे रहे हैं। जेल की सीखचों के पीछे गुंडों का वर्चस्व बन गया है, गैंगवार का खूनी खेल चल रहा है। इससे शहर के संभ्रांत परिवारों का, खासकर महिलाओं का
जीना हराम हो गया है। बिलासपुर के अपराध चाकूबाजी, चौक चौराहे पे बैड एलिमेंट का खड़ा होना, तलवार से केक काटना, हत्याएं होना, लोगों की जमीन लूटना, एक भय और आतंक का माहौल बिलासपुर में खड़ा हो गया है। सबकी मांग है कि ये बिलासपुर का पुराना गौरव रहने के लायक शहर, उसको आप लौटाएं। और मैंने आश्वस्त किया है कि 3 तारीख को नतीजा आएगा, 15 दिन के अंदर अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, इस शहर का वैभव को लौटाऊंगा। अमर अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने वायदा किया कि सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर बिलासपुर शहर का पुराना वैभव लौटाया जाएगा। गुंडों को शहर छोड़कर जाना होगा। गुंडों और दलालों द्वारा लूटी गई लोगों की जमीनें उनको वापस दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया। लोगों ने तय कर लिया है कि इस 5 साल में जो बिलासपुर में अपराध बढ़ा है, और स्पष्ट जनता का मानना है कि ये कांग्रेस के जो राजनेता हैं यहाँ, उनके संरक्षण में ये हुआ है, और इसलिए उन्होंने परिवर्तन का बूड बना लिया है। कि ये बातें पहले होनी थी, और अब भी अगर कोई अपनी भावना रख रहा है, जन भावना है, तो चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा वो सबको। रेलवे परिक्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा, बिलासपुर का रेलवे जोन सबसे बड़ा कमाऊ बूथ है। इसमें रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों की अहम भूमिका है। उनकी बदौलत ही रेलवे ने ये गौरव हासिल किया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा मंडल के कार्यकर्ता श्री अग्रवाल के साथ थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नवरात्र के साथ ही त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। त्योहार की खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। इन दिनों सदर बाजार, गोल बाजार, शनिचरी, बुधवारी, तेलीपारा आदि स्थानों में शाम होते ही भीड़ बढ़ जाती है। इस दौरान लोग उठाईगिरी और वाहनों की चोरी के मामले सामने आते हैं। ज्यादा भीड़ होने से सड़क में जाम लग जाता है। इसके अलावा सड़क किनारे खड़े ठेले और अस्थायी दुकानों से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है। आगे चलकर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मस्तूरी के सुलौनी में रहने वाले 20 से ज्यादा परिवारों का ग्राम पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। कलेक्टर से इसकी शिकायत के बाद एसडीएम को जांच का आदेश दिया गया है। प्रभावित परिवार के लोगों का कहना है कि वे गांव के 1 एकड़ शासकीय भूमि पर खेती और निवास करते हैं, जिस पर सरपंच आपत्ति कर ग्रामवासियों को उनके खिलाफ भड़का रहा है। उन्हें मकान तोड़ने धमकाया जा रहा है, राशन पानी बंद कर दिया है। पीड़ित परिवार के बच्चों से स्कूल में भेदभाव किया जाता है। उनका आरोप है कि सरपंच समेत कई रसूखदार ग्रामीणों ने गांव की करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर डर से कोई कुछ नहीं कहता, केवल उन्हें ही बेवजह तंग किया जा रहा है। प्रभावित परिवार मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। हमारे गांव में बेजा कब्जे बहुत किए हैं, जिसमें से 25 एकड़ को और लोग कब्जा किए हैं, और हम लोग 1 एकड़ को कब्जा किए, उसमें घर को तोड़ा रहे हैं और हटा रहे हैं। और हमारे गांव के द्वारा, हमारे पंचायत के द्वारा हम लोगों को, हमारे परिवार को पानी ले, दुकान पानी, हुक्का पानी पूरा बंद कर दिया। स्कूल से बच्चे लोग जा रहे हैं तो बात करना पूरा बंद कर दिए। हम लोग पूरा त्रस्त है, इसलिए हम ग्रामवासी और हमारे साहब से निवेदन है कि इसका तत्काल निराकरण किया जाए। बेजा कब्जा में घर बनाए हैं गाँव के, और बहुत सारा बनाए हैं, तो सब बनाए हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रही। अब हम बनाए हैं तो पूरा गांव भर मिल के घर लग तोड़ दी, तोड़े के बात करत तो हमन कहाँ रहेंगे। हमन के छोटे छोटे लड़के हैं, परिवार है, कहाँ में रहेंगे, कैसे चली हम उनकी ज़िंदगी, कैसे पालो उनके परिवार लग। गांव, गांव के ग्राम पंचायत के पूरा गांव ग्रामीण वासी पूरा हुक्का पानी बंद है, बहिष्कार हो गए घर। जोनल स्टेशन स्थित आरक्षण टिकट काउंटर में पहुंचने वाले लोगों को काउंटर के दूसरी तरफ बैठे रेलकर्मी तक अपनी आवाज पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल बीच में लगे ग्लास का होल छोटा होने से यह परेशानी काफी समय से बनी हुई है। इस दौरान बाहरी शोरगुल में आरक्षण कराने आए व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती, जिससे
समय पर काम नहीं होने से काउंटर में बैठे रेल कर्मी से लोगों की बहस होने लगती है। मंगलवार को टिकट बनवाने पहुंचे एक यात्री और टिकट क्लर्क के बीच जमकर कहासुनी हो गई। नौबत जब मारपीट की आ गई तभी आरपीएफ के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसे लेकर यात्री व टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती है। घर की बाड़ी में रखी महुआ शराब की बिक्री कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी संजय यादव के कब्जे से 36 लीटर कच्ची महुआ शराब पुलिस ने बरामद किया है जिसकी कीमत 7000 रुपए बताई जा रही है। बहरहाल चकरभाटा पुलिस आरोपी संजय यादव के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। चकरभाटा बिजली ऑफिस के पास तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मनोज यादव रहंगी जोगीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर चकरभाटा थाना प्रभारी अभय सिंह राठौर क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस आरोपी मनोज यादव के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सैर के लिहाज से अचानकमार टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद है। बारिश के 4 महीने बाद यह पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से खुल जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए प्रबंधन ने भ्रमण मार्ग की मरम्मत शुरू कर दी है। जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। सैर के लिहाज से अचानकमार टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद है। यही वजह है कि साल के 8 महीने ये पर्यटकों से गुलजार रहता है। बारिश के 4 महीने इसे पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। दरअसल 1 जुलाई से मानसून की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के सैर पर प्रतिबंध रहता है, इसलिए पर्यटक इस अवधि में सैर करने के लिए यहां नहीं पहुंचते। लेकिन जो जंगल प्रेमी हैं, ऐसे पर्यटक शिवतराई स्थित बैगा रिसोर्ट घूमने फिरने के लिए जरूर आते हैं। प्रबंधन इस रिसोर्ट को साल भर पर्यटकों के लिए खुला रखता है। 4 महीने बंद रखने का निर्देश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। प्राधिकरण का मानना है कि ये सीजन वन्य प्राणियों के ब्रीडिंग का होता है। इसके साथ ही बरसात की वजह से भ्रमण मार्ग वाहनों के चलने लायक नहीं होता। इसके अलावा जंगल के भीतर छोटे पुल पुलिया बरसाती पानी से भरे होते हैं। इस अवधि में सर्चिंग भी प्रभावित होता है। अब मानसून लौट चुका है और मौसम साफ हो रहा है। मार्ग गुजरने लायक बनाया जा रहा है। प्रबंधन ने सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसमें 15 दिनों का समय लग सकता है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि इस साल सैर सपाटा शुल्क से लेकर अन्य किसी सुविधा के लिए पर्यटकों से अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। पर्यटक पहले की तरह निर्धारित शुल्क देकर 1 नवम्बर से टाइगर रिजर्व में घूमने फिरने का लुत्फ उठा सकते हैं। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन इसे दूर करने कोई पहल नहीं करता। बात करें यहां के डॉक्टरों की तो मरीज से रुपए लेने से भी वे गुरेज नहीं करते। कान का इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला से इलाज के नाम पर डॉक्टर ने रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित महिला इस संबंध में क्या कुछ कह रही है, जरा आप भी सुनिए। कई दिन हो गया हुआ तो मुख मिलवा देना, मशीन को नहीं सुना पट पट आगे दिन आ रहा बाधा से बेटा नहीं सुना ना जांच करी से कुछ कहाँ ले वो कही फिर आए तो वो दुआरे में बैठे रहते थे बाबू हा एक रुपया नहीं लगे दाई तो को वो फ्री में मिल ही ऐसे कही तो वो भीतरी में बैठे रहते तेन है फिर परो दिन आए तो एक शुक्रवार से आए तो कहते थे पैसा दे पैसा कहीं एक सौ ले लो बेटा एक दो सौ ले लो दे 500 दे 500 अब भर के आ रहा हूँ बेटा सुना रह रही है हमें कहा जाना है। सिविल लाइन पुलिस ने एक निजी वाहन से करीब 10 लाख रुपए बरामद किया। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। सत्यम चौक के पास पॉइंट लगाया गया था, इस दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। तब एक निजी वाहन में 9,95,000 की बड़ी राशि पुलिस के हाथ लगी। बरामद रुपए के संबंध में चालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, पुलिस ने रकम जब्त कर लिया है।
पढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इक्कीस अक्टूबर से मिलेगा नामांकन फॉर्म, जिले के 6 विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट में की जा रही तैयारी। गांव में सरपंच चला रहा बहिष्कार की दादागिरी, पीड़ित परिवारों की फरियाद पर कलेक्टर ने दिया जांच का आदेश। जंगल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर को खुलेगा एटीआर, वन्य जीवों का होगा दीदार। और 73 साल से किया जा रहा रामलीला का मंचन, सीमित साधनों से कलाकार मोह रहे मन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं, माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा रामलीला आयोजन का यह 73वां वर्ष है। पहले दिन आदर्श रामलीला मंडली अकलतरी के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। भगवान श्री राम का दरबार सजा था। परंपरागत आयोजन दशहरा उत्सव तक चलेगा। बिलासपुर में रामलीला की धार्मिक परंपरा को 73 वर्षों से हिंदुस्तानी सेवा समाज सहेज रहा है। नवरात्र से दशहरा उत्सव तक इसका आयोजन रेलवे परिक्षेत्र में किया जाता है। सोमवार को आयोजन के आरंभ में अकलतरी के आदर्श रामलीला मंडली के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। सीमित संसाधनों में भी इन कलाकारों ने रामायण के दृश्यों को अपने अभिनय से जीवंत किया। ए मस्त, अब तुम दोनों हमारी आज्ञा के अनुसार स्वर्ग लोक में जाकर निवास करो। समय आने पर अयोध्या के राजा हो, तब हम आपके 4 अंश से पुत्र होकर जन्म लेंगे और आदि शक्ति जिन्होंने संसार को उपजाया है वह आपकी बतौर होगी। भव्य राम दरबार लगा, जहां प्रभु के साथ माता सीता और अन्य कलाकारों ने भावपूर्ण संवादों से दर्शकों को आनंदित किया। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें यही बताने दीजिए कि हम मनुष्य और वानर दो जाति के छोर किसी के मारे न मरे। ये दुष्ट तो अपने नित्य आहार के लिए पूरे पृथ्वी को एक दिन में चट कर जाएगा, इसलिए हे देवी सरस्वती, आप इसकी बुद्धि को पलट दीजिए। पर्दे के पीछे बैठे संगीत और गायक कलाकारों ने दृश्यों को गति प्रदान किया। दोहा चौपाई का संगीतमय गायन सुन रहे दर्शकों ने देर रात तक रामलीला देखी। अलग अलग दिनों में यहां कलाकार प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन का दर्शन कराएंगे। रावण वध कर भगवान के अयोध्या वापसी के साथ रामलीला आयोजन का समापन किया जाएगा। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आदि शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। मंगलवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माता के चंद्र घंटा की उपासना की गई। शहर के खमतराई स्थित बगदाई देवी मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इस मंदिर में नवरात्र के समय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होती है। नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति पाने माँ दुर्गा के चंद्रघटा स्वरूप की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, उनके लिए माता चंद्रघटा की पूजा फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। देश भर में सैकड़ों ऐसे मंदिर है जहां भक्त देवी देवताओं को खुश करने के लिए सोना, चांदी और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। वहीं कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं जिन्हें चढ़ावे के रूप में अलग अलग वस्तुएं पसंद है। ऐसी वस्तुएं चर्चा का विषय बन जाती है। बिलासपुर में एक देवी है जिन्हें
पत्थर पसंद है। जी हां, खमतराई के बगदाई मंदिर में भक्त पत्थर के चढ़ावे से देवी को खुश करते हैं। बिलासपुर के पास खमतराई गांव में स्थित बगदाई वन देवी मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्र में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचने लगी है। शाम को भी माने चंद्र घंटा माता की माने पूजा अर्चना करेंगे, बहुत बढ़िया माने भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रतिदिन बढ़िया हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है और अनुष्ठान भी चल रहा है। यह मंदिर अनूठा है। इसका निर्माण तो अभी हाल के वर्षों में हुआ है, लेकिन इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा काफी सालों से है। लोगों की आस्था है कि लगभग 100 सालों से देवी यहाँ विराजमान है। जब आसपास बसाहट होने लगी तब एक पेड़ के नीचे रखी प्रतिमा की सुरक्षा के लिए लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया। इस मंदिर से जुड़े लोग और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया 100 साल पहले से भी बगदाई वन देवी यहाँ स्थापित हैं। तब से नवरात्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। माता को 5 पत्थर अर्पित कर भक्त मनोकामना पूर्ति और विश्वास की ये परंपरा कायम रखे हुए हैं। हमारी इस बगदाई मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है सर, इसको हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन यहाँ पहले वन देवी के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें आने जाने वाले लोग 5 पत्थर चढ़ाते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नतें मांगते थे। आज हमारा यह मंदिर एक धाम की तरह हो गया है। यह माँ भगवती बगदाई माता जी का, द्वादश ज्योतिर्लिंग का, शनिदेव महाराज जी का, रामकृष्ण भगवान, पंचमुखी हनुमान जी का, सभी प्रकार का देवी देवताओं का प्रतिष्ठा हुआ और प्रतिस्थापन हुआ है। समिति के सदस्यों का कहना है कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और उनकी मनोकामना बगदाई वन देवी पूरा करती है। बताया जाता है कि समय के साथ लोगों की आस्था और बगदाई देवी की ख्याति बढ़ती गई। अब यह भव्य मंदिर दूर दूर तक चर्चा में है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, मगर इसके बावजूद लोग यहां वहां वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा दी गई है। इसका इस्तेमाल करने के बजाय चालक मनमाने तरीके से अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, इससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस के जवान हमेशा की तरह मौके पर पहुंचे और सड़क पर खड़े किए वाहनों को जब्त किया, मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जरहा भाटा के एक निजी अस्पताल में मंगलवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही आग पर जल्दी काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जाता है शॉर्ट सर्किट से अस्पताल के ऑफिस में रखे फर्नीचर में आग लग गई, जिसे देख कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकाला, जिससे आग जल्दी बुझा दी गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं लगी है। माँ दुर्गा की आराधना का नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में सजे पंडालों में माँ दुर्गा की नैनाभिराम प्रतिमाएं विराजी हैं। रंगीन रोशनी और भक्ति संगीत के बीच पर्व का मनोरम दृश्य शहर के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। भक्ति संगीत की अनुकुंज के साथ नवरात्रि पर्व की छटा देखते ही बनती है। सारद मोर सती माँ, पैया लाला गाँव में तो।
टीवी की तमाम खबरें अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।